हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चिराग इंग्लिश विंडो। आज की इंग्लिश की क्लास में हम जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ थर्ड लेसन जो लिखा हुआ है तिसानी दोषी का, उसके बारे में बात कर रहे हैं। ये लेसन जो हो पर्सनल एक्सपीरियंस है तिसानी दोषी का। तिसानी दोषी कौन है? एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है स्टूडेंट्स ऑन आइस के नाम से, जिसकी अध्यक्षता कर रहा है कनाडा का एक व्यक्ति जिसका नाम है जोफ ग्रीन। जोफ ग्रीन इसकी अध्यक्षता करता है। वो स्कूल के बच्चों को ले जाता है वहाँ पर घुमाने के लिए, और अंटार्कटिका जगह चुनते हैं वो, जहाँ पर दुनिया की 90% बर्फ जो है वो जमी हुई है। उस यात्रा का हिस्सा है तिसानी दोषी। वो अपना एक्सपीरियंस बता रही है कि किस किस प्रकार से वो वहाँ पे गए, और वहाँ पर जाने का मतलब है हम पृथ्वी के पास्ट के बारे में, प्रेजेंट के बारे में और फ्यूचर के बारे में अंदाज़ा लगा सकते हैं। आइए पढ़ते हैं अभी इस लेसन को आगे। जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, यात्रा पृथ्वी के अंत तक। बिफोर यू रीड, आपके पढ़ने से पहले, इफ यू वॉन्ट टू नो, यदि आप जानना चाहते हो मोर अबाउट द प्लैनेट्स पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। प्लैनेट का मतलब है यहाँ पे पृथ्वी, अर्थ के प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर के बारे में। द अंटार्कटिका इज द प्लेस, तो अंटार्कटिका एक जगह है टू गो टू, जाने वाली। बोन योग ने ऐसा कहा है। यहाँ पे बताया क्या गया, यदि आप पृथ्वी के पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में जानना चाहते हो तो सबसे अच्छी जगह है आपको अंटार्कटिक जाना चाहिए। तिसानी दोषी इसकी नरेटर है लेसन की, उसका पर्सनल एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर बता रही है। एर्ली दिस ईयर, इस साल के शुरुआत में, आई फाउंड माई सेल्फ, मैंने पाया अपने आप को अब्रोड चढ़ते हुए, सवार होते हुए, ए रशियन एक रूस के रिसर्च वेसल। वेसल का मतलब है यहाँ पे सिप, रिसर्च अनुसंधान करने वाले, शोध करने वाले जहाज में। द एकेडमिक सोकेल्स की, जिसका नाम एकेडमिक सोकेल्स की है। हेडिंग, जो जा रहा था टुवर्स द कोल्डेस्ट की ओर, टुवर्स की ओर, द कोल्डेस्ट सबसे ठंडे, ड्राइएस्ट सबसे सूखे, विंडियस सबसे ज्यादा हवा वाले कंटिनेंट महाद्वीप की ओर, इन द वर्ल्ड संसार के। तिसानी दोषी बता रही है कि इस साल के शुरुआत में मैंने रूस के रिसर्च वेसल जिसका नाम एकेडमिक सोकेल्स की था, उसमें अब्रोड किया, मैं उसमें चढ़ी, जो जा रहा था संसार के सबसे ठंडे, सबसे सूखे, सबसे ज्यादा हवा वाले कंटिनेंट महाद्वीप की ओर, इन द वर्ल्ड संसार के, अंटार्कटिका की ओर। My journey began, मेरी यात्रा शुरू हुई 13.09 degrees, 13.09 degrees north उत्तर से of the equator, भूमध्य रेखा के, in Madras, मद्रास से, and involved, और मेरी यात्रा में शामिल थे crossing, पार करना, 9 time zones, time zones होते हैं समयखंड, 9 समयखंड, 6 checkpoints, 6 सीमा क्षेत्र, चेक पॉइंट सीमा क्षेत्र, 3 बॉडीज ऑफ वाटर, 3 समुद्र, एंड एट लीस्ट और कम से कम एज मैनी इकोस्पियर्स। एज मैनी का मतलब इतने ही, कितने, 3 समुद्र हैं उतने ही इकोस्पियर्स पर्यावरणीय क्षेत्र। ये बता रही है कि मेरी यात्रा में जो था वो शामिल था क्या क्या पार करना, 9 तो समयखंड पार करना, और उसके अलावा 6 चेक पॉइंट्स पार करना, 3 समुद्र पार करना, और इतने ही पर्यावरणीय क्षेत्र पार करना मेरी यात्रा में था, ऐसा तिसानी दोषी बता रही। यात्रा कहाँ की थी? अंटार्कटिका की, जो संसार का सबसे ठंडा, सबसे सूखा और सबसे हवा वाला वो महाद्वीप है। अब आगे देखो, बाई द टाइम, इस समय तक, आई एक्चुअली सेट फुट, जिस समय तक मैंने वास्तव में कदम रखे ऑन अंटार्कटिक कंटिनेंट, अंटार्कटिक महाद्वीप पर, अंटार्कटिक महाद्वीप पर, आई हैड बीन ट्रेवलिंग, मैं यात्रा कर चुकी थी ओवर 100 आवर्स, 100 घंटे से ऊपर की, इन कॉम्बिनेशन मिलाकर, ऑफ ए कार, एक कार की, एन एरोप्लेन एक हवाई जहाज की, एंड ए सिप और एक जहाज की, सो इसलिए माई फर्स्ट इमोशन, मेरी पहली भावना, ऑन फेसिंग अंटार्कटिक्स एक्सपेंसिव
देखकर सामना करके अंटार्कटिका के विस्तृत व्हाइट लैंडस्केप, सफेद भूभाग की एंड अनइंटरप्टेड ब्लू होरिजन और अबाधित अनइंटरप्टेड अबाधित ब्लू होरिजन नीले अक्षतिज को वाज रिलीफ राहत देने वाली थी। देखो क्या बता रही है कि मैं वहां पर गई और मैंने पहली बार जब इस बड़े से और सफेद भूभाग को देखा तो मुझे राहत मिली, राहत महसूस हुई। और इसका होरिजन जो था वो नीला दिखाई दे रहा था, क्यों? क्योंकि इसमें कोई बीच में बाधा नहीं थी, कोई पेड़ पौधे नहीं थे, कोई बिल्डिंग वगैरह नहीं थी। वाज रिलीफ, ये सारा अनुभव मुझे राहत देने वाला था। फॉलोड अप का मतलब बाद में हुआ विद एन इमीडिएट एंड प्रोफाउंड वंडर। इमीडिएट का तुरंत, इसके तुरंत बाद मुझे एक प्रोफाउंड वंडर, गहरा अचंबा हुआ। देखो शुरुआत में उसने देखा कि उसका सफेद भूभाग है और उसका जो होरिजन अक्षितिज हम सामने देखते हैं तो जमीन आसमान मिलते हुए दिखाई देते हैं, वो सारा क्या था, अनइंटरप्टेड था, अबाधित था, किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं थी, तो इसको अच्छा लगा। लेकिन उसके तुरंत बाद इसको अचंबा हुआ, अत्यधिक किस बात पे अचंबा हुआ, वंडर एट इट्स इमेंसिटी। इमेंसिटी होता विशालता, कि इतना बड़ा है, इतना विशाल है, उस पर इसे अचंबा हुआ कि इतना बड़ा कैसे हो सकता है। इट्स आइसोलेशन और इसके अलग थलग होने पर, दो बातों पर उसे अचंबा हुआ कि इतना बड़ा कंटिनेंट और दूसरा पूरी दुनिया से अलग थलग। बट मेनली, परंतु मुख्य रूप से, हाउ देयर कुड एवर हैव बीन, कि कभी कैसे रहा है ए टाइम, एक ऐसा समय व्हेन इंडिया एंड अंटार्कटिका, जब इंडिया और अंटार्कटिका वर पार्ट ऑफ द सेम लैंडमास, एक ही भूभाग के हिस्से थे। देखो उसको अचंबा हुआ, किस बात का अचंबा हुआ कि इतना विशाल है और फिर इतना अलग थलग है। और सबसे बड़ी बात उसे अचंबा इस बात का हुआ कि किस प्रकार से इंडिया और अंटार्कटिका एक ही भूभाग के कभी हिस्से हुआ करते थे। अब देखो पार्ट ऑफ हिस्ट्री, 650 मिलियन ईयर्स अगो। देखो एक मिलियन में होता है 10 लाख, तो यहां पे क्या बताया जा रहा है, हम इस संख्या को ऐसे ही पढ़ सकते हैं 650 मिलियन ईयर्स अगो, कि 650 मिलियन साल पहले क्या था, पृथ्वी के इतिहास के बारे में बताया जा रहा कि 650 मिलियन साल पहले ए जॉन्ट, एक बड़ा सा अमेलगेमेटेड का संयुक्त, मिला जुला, साउथर्न दक्षिणी सुपर कंटिनेंट बड़ा महाद्वीप था। 650 मिलियन साल पहले एक बड़ा सा संयुक्त दक्षिणी बड़ा महाद्वीप था, गोंडवाना जिसका नाम था, डिड इंडीड एग्जिस्ट, जो वास्तव में अस्तित्व में था, इंडीड एग्जिस्ट अस्तित्व में था, सेंटर्ड जिसका केंद्र था रफली, मुख्य रूप से रफली अराउंड का मतलब आसपास, जिसका केंद्र था आसपास का द प्रेजेंट डे, वर्तमान के समय का अंटार्कटिका। अंटार्कटिका क्या बताया जा रहा है यहाँ पे कि 650 मिलियन साल पहले एक बड़ा सा सुपर कंटिनेंट था जिसका नाम था गोंडवाना और उसका केंद्र था आज के समय का अंटार्कटिका। क्या था उस समय, थिंग्स वर क्वाइट डिफरेंट देन, चीजें उस समय बिल्कुल भिन्न थी, ह्यूमंस हैडंट अराइव्ड, मनुष्य नहीं पहुंचे थे ऑन द ग्लोबल सीन, वैश्विक दृश्य पे, उसमें पृथ्वी पर मनुष्य आए ही नहीं थे, एंड द क्लाइमेट वाज मच वार्मर, और उसका जो क्लाइमेट था गोंडवाना का वो अत्यधिक गर्म था, होस्टिंग और उसने शरण दे रखी थी ए ह्यूज वैरायटी, एक बड़ी सी जाति को, एक बड़ी सी प्रजाति को, और फ्लोरा एंड फोना, फ्लोरा एंड फोना का मतलब वनस्पति और जंतुओं को। 4500 मिलियन ईयर्स, लगभग 500 मिलियन सालों तक गोंडवाना थ्रीवड का मतलब फला फूला, बट अराउंड द टाइम, परंतु उस समय के आसपास, व्हेन द डायनासोर्स वर वाइप्ड आउट, वाइप्ड आउट का मतलब खत्म हो गए, चले गए, परंतु उस समय जब डायनासोर खत्म हो गए
एंड द एज ऑफ द मैमल्स, मैमल्स होते हैं स्तनधारी जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, और स्तनधारियों का युग, एज युग गोट अंडरवे शुरू हुआ, और स्तनधारियों का युग शुरू हुआ जब डायनासोर चले गए थे उस समय द लैंडमास, ये भूमि का टुकड़ा, कौन सा, जो पूरा का पूरा एक ही महाद्वीप था बड़ा सा गोंडवाना जिसका नाम था, उस समय ये लैंडमास, ये भूमि का टुकड़ा वाज फोर्स्ड, बाध्य हुआ टू सेपरेट, अलग अलग होने में इनटू कंट्रीज, राष्ट्रों के रूप में शेपिंग, निर्माण लेते हुए, बनते हुए द ग्लोब, विश्व का, विश्व के मानचित्र का, मच एज वी नो इट टूडे, जैसा हम इसे जानते हैं। बताया क्या गया है यहाँ पे कि इतने समय तक डायनासोर रहे, और डायनासोर जब गायब हो गए और स्तनधारियों का युग शुरू हुआ, उस समय ये टुकड़ा जो था ज़मीन का एक ही, ये अलग अलग देशों में बंटना शुरू हुआ आज के ग्लोब का रूप लेते हुए। नेक्स्ट देखो, टू विजिट अंटार्कटिका, अंटार्कटिका की यात्रा करना, नाउ इज टू बी ए पार्ट ऑफ दैट हिस्ट्री, अब उस इतिहास का हिस्सा बन जाना है। अंटार्कटिका की हम यात्रा करते हैं तो उस इतिहास का हिस्सा बन जाते हैं, मीन्स उसको हम जान लेते हैं। टू गेट ए ग्रेस्प ऑफ, ग्रेस्प ऑफ का मतलब नज़र डालना, टू गेट ए ग्रेस्प ऑफ, एक नज़र डालते हैं किस बात पर, वेयर वी हैव कम फ्रॉम, कि हम कहाँ से आए हैं, एंड वेयर वी कुड पॉसिबली बी हेडिंग, और संभवतः हम किधर जा रहे हैं, ये उस हिस्ट्री का हम हिस्सा बन जाते हैं कि हम कहाँ से आए हैं और कहाँ जा रहे हैं। इट इज़ टू अंडरस्टैंड, इट इज़ टू अंडरस्टैंड, समझना है, इट इज़ टू अंडरस्टैंड, ये समझना है दैट सिग्निफिकेंस ऑफ कॉर्डिलेरन, कॉर्डिलेरन ये एक नाम है, कोई वो समानांतर पर्वतीय श्रृंखला हैं उनका नाम है, उनकी फॉल्ट्स परतें, हम ये समझते हैं वहाँ जाकर कि कॉर्डिलेरन जो परतें होती हैं उनका महत्व क्या है, एंड प्री कैम्बेरियन ग्रेनाइट सिल्स, प्री कैम्बेरियन, प्री कैम्बेरियन होता आदिकालीन, ग्रेनाइट सिल्स, ग्रेनाइट की जो परतें होती हैं उनका क्या महत्व है, ओजोन और ओजोन का क्या महत्व है, एंड कार्बन, कार्बन का क्या महत्व है, इवोल्यूशन इनका विकास कैसे हुआ, एंड एक्सटिंक्शन इनका पतन कैसे होगा, इनका विनाश कैसे हुआ। देखो वहाँ पर जाने के बाद हम चार चीज़ों को समझ जाते हैं, चार चीज़ों के महत्व को समझ जाते हैं, किस किस को, कॉर्डिलेरन फॉल्ट्स के महत्व को, और उसके बाद प्री कैम्बेरियन जो ग्रेनाइट की शिल्ड होती हैं उनके महत्व को, ओजोन और कार्बन के महत्व को, और ये भी हम पता लगा लेते हैं कि इन चारों का विकास कैसे हुआ और इनका विनाश कैसे होगा। वेन यू थिंक अबाउट ऑल दैट, जब आप सोचते हो इसके बारे में, ऑल दैट इन सब के बारे में, दैट कैन हैपन इन ए मिलियन ईयर्स, जो घटित हो सकता है एक मिलियन सालों में, इट कैन गेट प्रेटी माइंड बोगलिंग, माइंड बोगलिंग होता है चौंकाने वाले, तो यह प्राप्त कर सकता है बहुत सारे चौंकाने वाले, देखो क्या चौंकाने वाले परिणाम हो सकते हैं, इमेजिन आप कल्पना करो इंडिया पुशिंग नॉर्थवर्ड्स, कि इंडिया धकेला जा रहा है नॉर्थवर्ड की ओर, नॉर्थ की ओर, यहाँ पे देखो ये बताया जा रहा है कि अब हम वहाँ जाकर कल्पना करते हैं तो हमें पता चलता है कि भारत जो है वो कुछ नॉर्थ की ओर धकेला जा रहा है, जमिंग अगेंस्ट, जमिंग अगेंस्ट का मतलब रोकते हुए, एशिया, एशिया को टू बकल, टू बकल तोड़ने के लिए, इट्स क्रस्ट, इसकी परतों को एंड फॉर्म और बनाने के लिए द हिमालयाज, हिमालय के क्षेत्र को। देखो ये जियोग्राफिक वो हैं, कुछ बदलाव हैं पुराने समय से, यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत थोड़ा सा नॉर्थ की ओर जा रहा है और रुक रहा है एशिया के खिलाफ, जो अपनी परतों को तोड़ते हुए हिमालय का निर्माण करता है। और क्या क्या गतिविधियाँ यहाँ पे देखी जा सकती हैं, साउथ अमेरिका ड्रिफ्टिंग ऑफ, साउथ अमेरिका ड्रिफ्टिंग ऑफ, ड्रिफ्टिंग ऑफ का मतलब है जा रहा है, यहाँ जाने के बाद हमें पता चलता है कि साउथ अमेरिका जो है वो जा रहा है टू ज्वाइन नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका को ज्वाइन करने, मीन्स वो भी कुछ नॉर्थ अमेरिका की ओर बढ़ रहा है।
ओपनिंग अप खोलते हुए द ड्रेक पैसेज, ड्रेक नाम है ये पैसेज दर्रा, देखो इनके बीच में है ना ड्रेक पैसेज का मतलब एक दर्रा है ये, और दर्रा किसका है, समुद्री क्षेत्र है, किसके बीच में, अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका, और दूसरा क्या है साउथ अमेरिका के बीच में पानी का क्षेत्र है, उसको ये ड्रेक पैसेज का नाम दिया गया है। ये क्या करता है, टू क्रिएट, पैदा कर रहा है एक कोल्ड सर्कुम्पलर, एक ठंडी सर्कुम्पलर प्री ध्रुवीय करंट प्रवाह को, कीपिंग अंटार्कटिका, जो रखता है अंटार्कटिका को फ्रिगिड, फ्रिगिड का मतलब होता है बहुत ठंडा, मीन्स एक प्रकार से जमा हुआ, डिसोलेट निर्जन, अलग थलग रखता है, निर्जन रखता है, एंड एट द बॉटम ऑफ द वर्ल्ड, और संसार के सबसे तलहटी वाले क्षेत्र में। देखो इसमें बताया गया कि इंडिया जो है वो थोड़ा सा नॉर्थ वर्ल्ड की ओर बढ़ रहा है, नॉर्थ की ओर बढ़ रहा है, जो हिमालय क्षेत्र का निर्माण कर रहा है, साउथ अमेरिका जो है वो किसकी ओर बढ़ रहा है, नॉर्थ अमेरिका की ओर, और उस दर्रे को खोल रहा है, मींस उसमें वो जो पैसेज है, वो पानी का इलाका है, वो समुद्री क्षेत्र, वो और बढ़ रहा है, और वो क्या पैदा कर रहा है, अपनी ठंडी प्रवाह को पैदा कर रहा है, और अंटार्कटिका को वो क्या रखता है, फ्रिजिड रखता है, डिसोलेट रखता है, और संसार के सबसे नीचे वाले स्थान में रखता है। अब नेक्स्ट देखो, फॉर ए सन वर्शिपिंग, एक सूर्य की पुजारी, फॉर के लिए साउथ इंडियन, भारतीय, दक्षिणी भारतीय, लाइक माई सेल्फ, मेरी तरह, तिशानी दोषी बता रही है, एक दक्षिणी भारतीय सूर्य के पुजारी, क्योंकि वहां पे सर्दी कम होती है, गर्मी होती है, इसलिए सूर्य का पुजारी बताया, मेरे जैसे 2 वीक्स, 2 सप्ताह गुजारना इन ए प्लेस, एक ऐसे स्थान पर वेयर 90% ऑफ द अर्थ, जहां पर 90% पृथ्वी का टोटल आइस, पूरी बर्फ का वॉल्यूम्स मात्रा आर स्टोर्ड, रखी हुई है या ढकी हुई है, एज ए चिलिंग प्रोस्पेक्ट, एक कपाने वाली प्रोस्पेक्ट संभावना है। यहाँ पे नरेटर बता रही है, लेखिका बता रही है कि मेरे जैसे दक्षिणी भारतीय के लिए 2 सप्ताह वहाँ पर गुजारना, जहाँ पर संसार की 90% जो बर्फ है, पृथ्वी के टोटल बर्फ की, वह मेरे लिए वहां पर कंपाने वाली संभावना है। आगे क्या बता रही है, नोट जस्ट फॉर द सर्कुलेटरी, सर्कुलेटरी होता है रक्त संचरण, रक्त संचरण के लिए ही नहीं, एंड मेटाबॉलिक फंक्शंस, और पाचन संबंधी कार्यों के लिए ही नहीं, बट ऑल्सो फॉर द इमेजिनेशन, परंतु यहां पर रहने की कल्पना करनी भी मेरे लिए कपा देने वाली संभावना है। इट इज लाइक वॉकिंग इन टू ए जॉन्ट पिंग पोंग, पिंग पोंग होता है टेनिस की बॉल, गेंद के समान, वॉकिंग चलना। यहाँ पे अंटार्कटिका में लेखिका बता रही है कि इस पर जब हम चले थे तो बिल्कुल हमें ऐसे लग रहा था जैसे हम किसी टेनिस की गेंद के ऊपर चल रहे हैं। नेक्स्ट देखो, एक ऐसी टेनिस की गेंद डिवॉइड ऑफ, जो रहित है, डिवॉइड ऑफ का रहित है, एनी ह्यूमन मार्कर्स, मनुष्य के किसी भी चिन्ह से, मनुष्य का यहाँ पर कोई भी आपको चिन्ह नहीं मिलेगा अंटार्कटिका में, नो ट्रीज, यहाँ पर कोई पेड़ नहीं है, बिल बोर्ड्स, कोई होर्डिंग नहीं है, कोई विज्ञापन बोर्ड नहीं है, बिल्डिंग्स, और ना ही कोई इमारतें हैं। यू लोज, यहाँ पर आप खो देते हो ऑल अर्थली सेंस, सारे पृथ्वी वाले भाव, पृथ्वी पर अपना अंदाजा लगा लेते हैं ना, वो यहाँ पर नहीं लगा सकते, कौन से किस प्रकार का अंदाजा, किस प्रकार के पृथ्वी वाले सेंस भाव यहाँ पर हम खो देते हैं। ओ पर्सपेक्टिव, पर्सपेक्टिव होता है गहराई व दूरी संबंधी, एंड टाइम और समय का हियर, यहाँ पर ना तो हम यहाँ पे गहराई का पता लगा सकते हैं, ना टाइम का पता लगा सकते हैं, क्योंकि सूर्य यहाँ पे दिखाई देता नहीं है, और ना ही गहराई बता सकते हैं, क्योंकि सफ़ेद ही सफ़ेद दिखता है, ना दूरी बता सकते हैं। द विजुअल स्केल, विजुअल स्केल का मतलब यहाँ पे दिखाई देने वाला पैमाने में रेंजेज, क्षेत्र आते हैं, जो हमें दिखाई देता है ना उस क्षेत्र में आते हैं। फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक होता है छोटे से छोटे,
टू द माइटी, बड़े से बड़े तक। जो चीज़ें हमें दिखाई देती हैं उसमें छोटे से लेकर बड़े से बड़े तक। मिजेज होते हैं मच्छर से लेकर, एंड मिटेज कीड़े मकोड़ों से, मच्छर और कीड़े मकोड़ों से लेकर। टू द ब्लू व्हेल्स, ब्लू व्हेल नीली व्हेल तक। एंड आइसबर्ग्स एज बिग एज कंट्रीज, और यहाँ पे आइसबर्ग जो हैं वो बर्फ़ के टुकड़े जो हैं वो इतने बड़े हैं जितने देश होते हैं। देखो यहाँ पर सब कुछ चीज़ें ना साफ साफ दिखाई देती हैं, छोटी से छोटी लेकर बड़ी से बड़ी तक। मच्छर और कीड़े मकोड़ों से लेकर व्हेल मछलियों तक बर्फ़ के टुकड़े दिखाई देते हैं, इतने बड़े बड़े जितने बड़े बड़े राष्ट्र होते हैं, देश होते हैं। द लार्जेस्ट, लार्जेस्ट का मतलब सबसे बड़ा, रिकॉर्डेड देखा गया सबसे बड़ा बर्फ़ का जो टुकड़ा देखा गया, वाज द साइज ऑफ बेल्जियम, वह था बेल्जियम के आकार का। छोटी से छोटी चीज़ से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ तक वहाँ पर साफ दिखाई देती हैं, और कीड़े मकोड़ों और मच्छर से लेकर ब्लू व्हेल तक सारी की सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। बर्फ़ के टुकड़े हैं, इतने बड़े बड़े टुकड़े हैं जितने बड़े देश होते हैं, और सबसे बड़ा टुकड़ा किसके आकार का देखा गया, बेल्जियम के आकार का। वहाँ पर डेज गो ऑन, दिन बीतते गए, एंड ऑन और बीतते गए, एंड ऑन और बीतते गए। इन सरेल, सरेल होता है विचित्र ढंग से। 24 आवर, 24 घंटे। एस्टेल, एस्टेल होता है दक्षिणी समर लाइट, गर्मी के प्रकाश में। एंड ए और एक। एबिक्यूटियस, एबिक्यूटियस का सर्वव्यापी साइलेंस, चुप्पी में। हमारे दिन बीतते गए 24 घंटे बिल्कुल दक्षिणी उस समर लाइट में बीतते गए, और सर्वव्यापी साइलेंस, चुप्पी के साथ। वहाँ पर सब कुछ चुप होता था, मनुष्य थे नहीं तो कोई शोर शराबा नहीं था। इंटरप्टेड, और ये चुप्पी बाधित होती थी, इंटरप्टेड बाधित होती थी, वहाँ पे बिल्कुल साइलेंस थी, और साइलेंस कभी कभार बाधित होती थी, मीन साइलेंस कभी कभार उसमें शोर शराबा होता था। किसका? ओनली बाय द ओकेजनल, केवल मात्र कभी कभार, ओकेजनल कभी कभार। अवेलेंस, अवेलेंस होता हिमस्खलन, बर्फ का गिरना, अवेलेंच बर्फ के गिरने से। और कालविंग आइस सीट, कालविंग का बछड़े के आकार की आइस सीट, बर्फ के टुकड़ों के गिरने का। वहाँ पर बिल्कुल चुप्पी रहती थी, किसी प्रकार का कोई शोर शराबा नहीं था, और ये चुप्पी कभी भंग भी होती थी तो किससे कई बार बर्फ गिर जाती थी, और कई बार बर्फ के बछड़े जैसे टुकड़े गिर जाते थे। कॉन्सिक्रेट्स, कॉन्सिक्रेट्स का मतलब जो पवित्र रखते हैं द प्लेस, उस स्थान को। इसी बर्फ होती है वो गिरती है, पानी चलता और साफ रखती है उस जगह को। इट इज एन अमर्जन, अमर्जन यह एक तल्लीनता है, एक लगे रहना है, यह एक प्रकार से व्यस्तता है। दैट विल फोर्स यू, जो आपको बाध्य करेगी, टू प्लेस योर सेल्फ, अपने आप को रखने में, इन द कंटेक्स्ट, कंटेक्स्ट का मतलब होता है प्रसंग, संबंध में, रिलेशन में, जो आपको रखने में, रिलेशन में। ऑफ द अर्थ जियोलॉजिकल, पृथ्वी के भूगर्भीय, भूमि संबंधी, हिस्ट्री, इतिहास से। आप यहाँ पर जाओगे तो यह आपको पृथ्वी के इतिहास के संबंध में रखेगी। एंड फॉर ह्यूमंस, और हमें पता चल जाएगा कि मनुष्यों के लिए द प्रोग्नोसिस, प्रोग्नोसिस होते हैं पूर्वा अनुमान, अब जो हम अंदाजा लगा रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं, इज नॉट गुड, अच्छे नहीं हैं। यहाँ जाकर हमें पता चलेगा कि मनुष्य के बारे में पृथ्वी पर कितने समय तक बना रहेगा, मनुष्य कितने समय तक मनुष्य यहाँ पर रहेगा, उसके बारे में हम अंदाज़ा लगाते हैं, तो लगता है कि ये सुकून जो है वो अच्छे नहीं हैं, या पूर्वानुमान जो है वो अच्छा नहीं है। ह्यूमन इम्पैक्ट, मनुष्य का क्या प्रभाव पड़ा है पृथ्वी पर। ह्यूमन सिविलाइजेशंस हैव बीन अराउंड, मनुष्य की हैव बीन अराउंड का मतलब रही हैं, सिविलाइजेशन सभ्यताएं, मनुष्य की सभ्यताएं रही हैं। फॉर ए पॉल्ट्री, मनुष्य की सभ्यताएं रही हैं। फॉर ए पॉल्ट्री, पॉल्ट्री का मात्र,
12,000 years 12,000 सालों से, मीन्स पृथ्वी को बने हुए बताया था 650 मिलियन साल हो गए, लेकिन इस पर मनुष्य को आए हुए केवल 12,000 साल हुए हैं। बेरली केवल ए फ्यू सेकंड्स, एक कुछ ही सेकंड का समय माना जाए तो ऑन द जियोलॉजिकल भूगर्भीय क्लॉक घड़ी में। देखो पूरी घड़ी मानी जाए तो 650 मिलियन साल पहले पृथ्वी बनी थी, और उसके ऊपर यदि हम 12,000 को लाएं तो बहुत कम समय है, सेकंड के बराबर ही है। इन दैट शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम, इतने थोड़े से समय में वी हैव मैनेज्ड, हमने व्यवस्था कर ली है टू क्रिएट क्वाइट ए रकस, रकस होता है भैंस, पैदा करने के लिए एक बड़ी भैंस, मीन्स इतने कम समय में हमने एक बड़ी सी भैंस कर ली। किसके बारे में? एचिंग और अमिट छाप छोड़ दी अवर डोमिनेंस, हमारे प्रभुत्व की ओवर नेचर, प्रकृति के ऊपर, विद अवर विलेजेज, हमारे गांवों के साथ, टाउन्स कस्बों के साथ, सिटीज शहरों के साथ, मेगा सिटीज बड़े शहरों के साथ, हमने अपनी छाप छोड़ दी पृथ्वी के ऊपर, नेचर के ऊपर, हमने हमारे गांव बना लिए, कस्बे बना लिए, शहर बना लिए और बड़े शहर बना लिए। द रैपिड इंक्रीज, तेजी से बढ़ना ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, मानवीय जनसंख्या का, हैज लेफ्ट अस, हमें ला दिया है, मनुष्य की जो जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है वह हमें ले आई है। कहाँ ले आई है? बैटलिंग विद अदर स्पीसीज, बैटलिंग लड़ते हुए विद अदर स्पीसीज, दूसरी जातियों से, फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज, सीमित संसाधनों तक, हम सीमित संसाधनों तक आ गए हैं, मीन्स पृथ्वी पर संसाधन जो है वो कम हो गए हैं। एंड द अनमिटिगेटेड, और पूरी तरह से बुरे, अनमिटिगेटेड पूरी तरह से बुरे, बर्निंग जलते हुए ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, फॉसिल जीवाश्म फ्यूल्स इन द ने हैज नाउ क्रिएटेड, अब पैदा कर दी है ए ब्लैंकेट, एक चद्दर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड की, अराउंड द वर्ल्ड, संसार के चारों ओर, Which is slowly, जो धीरे धीरे, but surely, परंतु निश्चित रूप से increasing बढ़ा रही है, the average, औसत, global, वैश्विक temperature, तापमान को। क्या बताया यहाँ पे लेखिका ने कि मनुष्य की जाति को यहाँ आए हुए बहुत कम समय हुआ है, लेकिन हमने एक बड़ी सी भैंस कर ली है इसके लिए, अन्य प्रजातियों से लड़ते हुए, और जीवाश्म जो ईंधन जलते हैं उनकी वजह से भी कार्बन डाइऑक्साइड की एक बड़ी सी परत हो गई है संसार के चारों ओर, और इसने पृथ्वी के जो संसार का एवरेज टेम्परेचर है उसको भी बढ़ा दिया है। आगे देखो, क्लाइमेट चेंज इज वन ऑफ द मोस्ट होटली, होटली का मतलब है यहाँ पे जोश के साथ कंटेस्टेड, लड़ा जाने वाला। क्लाइमेट चेंज, आज के समय में क्लाइमेट चेंज, जलवायु में बदलाव जो है वो आज के समय लड़े जाने वाले इन्वायरमेंटल, वातावरणीय डिबेट्स, डिबेट में से, डिबेट क्या होता है, वाद विवाद में से, ऑफ आवर टाइम, हमारे समय का, इज वन ऑफ द मोस्ट, एक हो गया है हमारे समय में, एक इन्वायरमेंट पर जो हम वाद विवाद करते हैं उनमें से क्लाइमेट चेंज एक टॉपिक हो गया है। अब देखो क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं यहाँ पे लेखिका के द्वारा, विल द वेस्ट अंटार्कटिक आइस शीट, क्या वेस्ट अंटार्कटिक की, क्या वेस्ट पश्चिमी अंटार्कटिक की बर्फ की परतें मेल्ट इंटायरली, पूरी तरह से पिघल जाएंगी? अब ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, वैश्विक गर्मी बढ़ रही है, तो क्या ये बर्फ की परत पिघल जाएंगी, मेल्ट का पिघल जाएंगी? विल द गल्फ स्ट्रीम की, क्या खाड़ी की परवा, स्ट्रीम परवा, ओशन करंट्स, समुद्र की परवा, समुद्र की धाराएं भी डिसरप्टेड, बाधित हो जाएंगी, डिसरप्टेड बाधित हो जाएंगी? विल इट बी द एंड ऑफ द वर्ल्ड,
क्या इससे संसार का अंत हो जाएगा? एज वी नो इट, जैसा हम इसके बारे में जानते हैं, मे बी संसार का अंत हो भी सकता है, मे बी नोट और नहीं भी हो सकता। आइदर वे, आइदर वे का मतलब है यहाँ पे जो भी हो, अंटार्कटिका इज ए क्रूशियल एलिमेंट, अंटार्कटिका एक नाजुक बिंदु है, क्रूशियल एलिमेंट नाजुक बिंदु है इन दिस डिबेट, इस वाद विवाद का। किस लिए नाजुक बिंदु है? नोट जस्ट बिकॉज, इसलिए नहीं क्योंकि इट इज द ओनली प्लेस, यही केवल मात्र एक स्थान है इन द वर्ल्ड संसार का। इसलिए नहीं है नाजुक बिंदु कि संसार का यही केवल मात्र एक स्थान है, विच हैज नेवर सस्टेन्ड, जिसने कभी सस्टेन नहीं की, जिसने कभी पैदा नहीं की ए ह्यूमन पॉपुलेशन, एक मानवीय जनसंख्या, एंड देयरफॉर रिमेंस, और इसलिए रह जाता है रिलेटिवली प्रिस्टाइन, रिलेटिवली तुलनात्मक रूप से प्रिस्टाइन, प्रिस्टाइन का मतलब होता है आदिकालीन या अनछुआ, जिसे कह सकते हैं कि ये अनछुआ है इन दिस रिस्पेक्ट, इस रिस्पेक्ट में। इस वजह से नहीं है क्रूशियल बिंदु कि इस पर कभी मनुष्य जाति पैदा नहीं हुई या फिर ये अनछुआ रहा है पुराने समय से, बट मोर इम्पोर्टेंटली, परंतु ज़्यादा महत्वपूर्ण तरीके से, बिकॉज इसलिए महत्वपूर्ण है, इट होल्ड्स, ये रखता है इट्स आइस कोर्स, आइस कोर्स बर्फ की तह के अंदर, बर्फ की परतों के अंदर, हाफ मिलियन ईयर ओल्ड, 5 लाख साल पुराने कार्बन रिकॉर्ड्स, कार्बन के अभिलेख, कार्बन के रिकॉर्ड ट्रैप्ड, जो दबे हुए हैं इन इट्स लेयर्स ऑफ आइस, इसकी बर्फ की परतों में। इफ वी वांट टू स्टडी, यदि हम अध्ययन करना चाहते हैं, एंड एग्जामिन, और देखना चाहते हैं द अर्थ पास्ट, पृथ्वी के पास्ट को, प्रेजेंट वर्तमान को, एंड फ्यूचर और भविष्य को, अंटार्कटिका इज द प्लेस, तो अंटार्कटिका एक ऐसी जगह है टू गो, जहाँ पर हमें जाना चाहिए। इस लेसन के फर्स्ट पार्ट में इतना ही करेंगे, और इसके क्वेश्चंस जानने के लिए आपको इसके डिस्क्रिप्शन में देखना पड़ेगा। थैंक यू।